प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि संघ और बीजेपी की आत्मा में जो है वो सामने आ गया है। ये प्रज्ञा ठाकुर की बोल है और आरएसएस के विचार। तो राहुल गांधी ने यह हमला बोला है जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था और कार्रवाई की मांग यहां पर करना वक्त बर्बाद करने जैसा है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन फिलहाल कार्रवाई यहां पर बीजेपी की तरफ से कर दी गई है, जहां पर रक्षा मंत्रालय की जो समिति है उससे उनको हटा दिया गया है। और उनका कहना है राहुल गांधी का कि प्रज्ञा के बोल हैं लेकिन विचार देखिए तो आरएसएस की, और अगर कार्रवाई की मांग की जाती है तो ये वक्त बर्बाद करने जैसा है। और उसको बताया गया है कि जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं भारतीय संसद के इतिहास में एक दुखद दिन की तरह यहां पर है। तो प्रज्ञा के बोल, आरएसएस के विचार यहां पर लगते हैं, और कार्रवाई की अगर बात की जाएगी तो ऐसे में लगता है कि वक्त यहां पर बर्बाद हो जाएगा। तो संघ और बीजेपी की आत्मा में जो है वो सामने कहीं ना कहीं आ गया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद। और इसी पर उन्होंने कड़ी निंदा जाहिर करते हुए कहा कि ये भारतीय संसद के इतिहास का एक दुखद दिन है। I already told them I don't comment on what that lady says. But sir, she continuously wo yahi baat kahi ja rahi hai, pehle bhi mana kiya par. Well, that's the heart of the BJP, na? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? So sir, ye that's the heart of the RSS. What she's saying in the wo chupaya tha, you chupaya छुपाया थोड़ी जा सकता है। उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी, वो उनकी आत्मा है। उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें वो आत्मा उनकी वो है। थैंक यू।